बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और जैसा कि आप सबको पता है कि बारिश का मौसम भी है और बारिश के मौसम में प्याज का पकौड़ी तो अलग ही मजा देता है, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना मैं बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को प्याज की पकौड़ी बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना बताऊंगी। तो चलिए हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ये है मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स। प्याज है 5 से 6 मीडियम साइज के हैं, और यहाँ पे लहसुन है और मिर्च है, बेसन है, नमक है, हल्दी है, धनिया पाउडर है। यहाँ मैंने हींग लिया हुआ है, ये बैलेंस रखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैटर को घोलने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ी सी थाली ले लिया है ताकि अच्छे से मैं मिक्स कर सकूं। और यहाँ मैंने बेसन लिया हुआ है तो मैं यहाँ पे बेसन एक कटोरी ले रही हूँ। यहाँ पे मैं नमक ऐड करूंगी, थोड़ा सा एकदम धनिया, बहुत थोड़ा सा ऐड करेंगे हम, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, कलर बहुत अच्छा आएगा, और गरम मसाला ऐड कर देते हैं, ये भी हम एकदम थोड़ा सा ऐड करेंगे, थोड़ा सा चटपटा करने के लिए अमचूर पाउडर हम ऐड कर रहे हैं। आप लोग चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ी सी हींग डालेंगे, यहाँ मैं थोड़ा सा जीरा ऐड कर रही हूँ, और यहाँ मैं करी पत्ता ऐड कर रही हूँ। धनिया की जगह पे करी पत्ता ऐड कर रही हूँ क्योंकि करी पत्ते की टेस्ट बहुत अच्छा आता है, खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी रहती है, तो मैं इस तरीके से ऐड कर दूंगी, और बीच बीच में हरा भी रहता है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, और हाथ की हेल्प से, मैंने हाथ को पहले से ही वॉश कर लिया है तो इसके हेल्प से हम मिक्स करेंगे। हाथ की हेल्प से काफी अच्छे से मिक्स हो जाएगा, इसलिए मैं इस तरीके से कर रही हूँ मिक्स। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया है, और इसे मुझे करी पत्ता कम लग रहा था तो मैंने दोबारा से मैंने ऐड कर दिया है, और इसे मैं मिक्स कर लूंगी अच्छे से। सो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने कुछ इस तरीके से मिक्स किया है, और यहाँ मैंने कढ़ाई में ऑयल भी डाल दिया है, और मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि गरम हो गया है, तो मैं छोटा सा पीस डालती हूँ। ये देखिए ऑयल हमारा गरम हो गया है, ऊपर की ओर आ गया है प्याज। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इस तरीके से डालूंगी थोड़ा थोड़ा, जितना एक बार में आ जाए उतना ही हमें ऐड करना है, बहुत ज्यादा हमें एक बार में नहीं ऐड करना है, जितना एक बार में आ जाए और अच्छे से फ्राई हो जाए। ये देखिए इस तरीके से पकौड़ी बना के खाएंगे तो बहुत ज्यादा टेस्टी भी लगेगा, और बारिश के मजे भी उठा पाएंगे आप लोग, तो एक बार जरूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा बना है। सो फ्रेंड्स एक साइड में देखिए ब्राउन हो गया है, तो अब मैं इसे पलट देती हूँ। जब एक साइड में हो जाए अच्छे से तभी हमें पलटना है, नहीं तो बार बार ऐसे पलटने से प्याज हमारा फैल भी सकता है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। हमें लो फ्लेम पे ही पकौड़ी को बनाना है ताकि हमारी पकौड़ी करारे बने, और स्टार्टिंग में लो करना है, उसके बाद 30 सेकंड के लिए सिर्फ हमें हाई करके तुरंत निकाल लेना है, तो पकौड़ी में जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो बाहर निकल जाएगा। सो फ्रेंड्स ये देखिए हमारे पकौड़ी दोनों तरफ से अच्छे तरीके से फ्राई हो गए, आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा कलर है। और ये देखिए, तो अब मैं इसे बाहर निकाल लेती हूँ, इससे ज्यादा हमें नहीं फ्राई करना है। सो फ्रेंड्स ये देखिए प्याज की पकौड़ी मेरे बन गया, मैंने सर्व किया है, और चिली सॉस के साथ और टमाटो केचप के साथ मैंने सर्व किया है। ये देखिए देखने में कितना ज्यादा टेस्टी लग रहा है, मेरा तो मन कर रहा है मैं अभी खा लूं, लेकिन पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ। सो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक पकौड़ी तोड़ के दिखाती हूँ, आप लोग देखिएगा आवाज समझ के। ये देखिए आवाज आप लोगों को सुनाई दे ही रहा होगा कि कितना ज्यादा क्रिस्पी बना है। दोबारा फिर से मैं तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए। और फ्रेंड्स ये देखिए प्याज भी कितने अच्छे से ब्राउन हो गया है,
और इस तरीके से अगर पकौड़ी को फ्राई करेंगे तो मुंह में काफी अच्छा टेस्ट आएगा। अगर इस तरीके से फ्राई रहेगा, आप लोग देख सकते हैं एक एक प्याज अलग अलग है, तो ये हमारे परफेक्ट प्याज के करारे पकौड़े हैं, आप लोग देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये ग्रीन चटनी और चाय के साथ बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगा, और बारिश का समय भी है तो इसका मजा जरूर उठाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा बना है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आया होगा तो प्लीज इसे फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में बेल बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को फोन में आ जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।